टाइम ही लिया था बैच। देखो पहली बारी में कहते हैं ना कि तीर निशाने पे जाके पहली बारी में लग गया। स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे, स्ट्रेस का क्या इलाज निकाला आपने मैनेज करने का? मैम पहले पहले तो लगी नहीं थी क्लासेस इतनी, मतलब वो हो गया था ना बैकलॉग, फिर बाद में पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर मैंने पूरा कर ही लिया बस बैकलॉग। डीमोटिवेशन वाले फेज से आप बाहर कैसे आए, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे फिर से कि नहीं यार मेरे को जुटना है, मुझे और मेहनत करनी है? यस मैम, मुझे लगा था कि इतना कर तो रही हूँ, पता नहीं मार्क्स आएंगे भी कि नहीं, तो फिर मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया और क्लासेस में टीचर्स भी बहुत मोटिवेशन देते थे। टीचर की बात चाहे ना सुने बच्चे, बट टॉपर्स की बात, अपने हम उम्र बच्चों की बात एकदम से समझ आ जाती है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम फर्स्टली तो अपने टीचर्स को फॉलो करना है ब्लाइंडली, जो भी कहेंगे बस वही करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया मैम, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, बहुत 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 बधाई आपको, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, इतना अमेजिंग के लिए। थैंक यू मैम वेरी मच। कैसा फील हो रहा है पूरे साल की मेहनत और फिर इतना अमेजिंग रिजल्ट देख के, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा मैम। अच्छा लग रहा है, खुश हो? यस मैम। एक्सपेक्ट किया था इतना कि नहीं? मैम एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस दे आते थे पेपर। नहीं मैम, इतना ही किया था एक्सपेक्ट भी। ना करा था। हाँ जी बहुत यार अच्छी बात है, अपने गोल्स एंड अपने एम्स क्लियर होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इतनी मेहनत करी है, इतने मार्क्स आने चाहिए। यस मैम। मैम डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में। अरे क्या बात है, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैम श्री मुक्तसर साहिब। अच्छा वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डबल ट्रिपल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैम तो बहुत खुश होंगे घर वाले, रिलेटिव्स तो बहुत खुश होंगे, यस मैम, स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं मैम। स्कूल वाले तो होंगे, उन्होंने तो ऐसे फोटो लगाई होगी, अब हमारे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है बच्चा। बहुत बढ़िया, इतना इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के, आपका रिजल्ट सुन के। तो पीडब्ल्यू में कौन से बैच से थे आप, मतलब यूट्यूब से पढ़ाई करी, बैच से पढ़ाई करी? नहीं मैम, बैच लिया था उड़ान 2024। बहुत अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बैच का? बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम ही लिया था बैच। देखो पहली बारी में ही कहते हैं ना कि तीर निशाने पे जाके पहली बारी में लग गया। यस मैम बहुत मतलब एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा आपका, है ना? अब तो आप कह सकते हो रिजल्ट देख बढ़िया, के। टीचर्स तो भी बहुत अच्छे थे। हाँ वही मैं पूछ रहा थी, कैसा पढ़ाते थे बैच में, क्लास अटेंड करके कैसा लगता था, क्या एक्सपीरियंस रहता था? बहुत अच्छा लगता था मैम, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थे टेंथ के, तो मतलब अच्छा पेपर बढ़िया, में कुछ अच्छा लगा ही नहीं। कुछ लगा ही नहीं, सब कुछ जो कराया था क्लास में और डीएचएस के थ्रू सब वहीं से आया, टेस्ट वगैरह सब मिला प्रैक्टिस के, है वही हो गया, जो कराया वही आया वाला। हाँ ना? हो गया ना जस्टिफाई, एक तो पीडब्ल्यू के सारे यस टीम ऑसम है एंड जो कराया वही आया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए आपके? मैम, पंजाबी में से 100 out of 100 आए हैं, मैथ शाबाश, से 99, वाह। साइंस में 98, एसएसटी में भी 98 आए हैं, इंग्लिश में भी 98 आए हैं। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है इनमें से आपका? फेवरेट मैम सभी एक जैसी हैं, सभी को ही वही फेवरेट बना के किया था। तभी तभी जब सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट बन जाते हैं ना, तभी सब में ही एकदम पैशनेट हो जाओ ना, तो ऐसा रिजल्ट आता है फिर, इतना अमेजिंग रिजल्ट। पर कोई तो यस थोड़ा लगता होगा कि आज मन नहीं कर रहा बट पढ़ाई तो करनी है, चलो यही पढ़ लेती हूँ, वो सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ था मैम। मैथ्स था, तो मैथ्स तो फिर बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, मैथ्स तो एकदम सारे अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया होगा यस मैम, तो। सर ऋतिक सर ने करवाया था बहुत हाँ अच्छा, उनकी वो तो, वजह से ही आ गई मैम नंबर। क्या बात है, क्या बात है। एंड कोई रेफरेंस बुक आपने यूज करी थी कि एनसीईआरटी को बेस बनाया था पीडब्ल्यू में जो पढ़ाते हैं फर्स्ट उसको? ईयर तो एनसीईआरटी की थी, फिर जो फिजिक्स वाला वाले नोट्स थे क्लास वाले वो बहुत बार रिवाइज किए, अच्छा, अभी और फिर एंड में सैम्पल पेपर्स लगाए। वाई की यूज करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप मतलब ये बताओ कि यार बैकलॉग्स कभी ना कभी तो हो ही जाते होंगे, है ना, कि तो बैकलॉग्स को कैसे आपने मैनेज करा? यस मैम, मैंने ना लेट ज्वाइन किया था बैच भी, 1 month लेट हो गया था शायद,
तो फिर कभी स्कूल की हॉलीडेज हो जाती थी, संडे सैटरडे क्लास नहीं होती थी ऐप पे भी, तो उसी में बस कर लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो मतलब आप कैसे थे कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने मस्ती करी और फिर लास्ट में टुवर्ड्स द एंड आके बिल्कुल पढ़ाई करी, या स्टार्टिंग से ही आपने पढ़ाई रखी, कंसिस्टेंट रहे, मतलब कैसा रहा आपका जर्नी? स्टार्टिंग से भी की थी और एंड में आके थोड़ी सी और अच्छी अच्छा, कर पढ़ाई दी। करी, एंड में आके बिल्कुल झोंक दिया। यस अच्छा, तो कितने घंटे पेपर्स के दौरान कितने कितने घंटे पढ़ते थे? मैम, एक तो जब यूट्यूब पे क्लासेस होती थी आपकी मैराथन, वो अटेंड की अपनी, बस फिर रह ही नहीं जाता था कुछ रिवीजन के लिए, फिर अपना कर लिया था बस थोड़ा बहुत। और जो सुबह होती थी क्लास होती थी, स्कूल में होते थे ना टेस्ट, स्कूल में होते थे और आपकी टेस्ट होते थे ऐप में वाले की। अच्छा, तो स्कूल को और अपनी पढ़ाई को, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, सबको कैसे आपने मैनेज करा? स्कूल से आके मैम क्लास होती थी है ना 4 o'clock, 4:30 पे, तो उससे पहले पहले कर लेते थे स्कूल का काम, या फिर सुबह उठकर या फिर स्कूल अच्छा, में। ओ वाह, मतलब गेम्स पीरियड पे गेम्स नहीं खेली और पढ़ाई या होमवर्क कर लिया? गेम्स भी खेली है मैम इतना भी नहीं। अच्छी बात है यार, मैं ही बोलने लगी थी कि गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, यस तो फिर स्टडी का टाइम कब निकालते थे? सेल्फ किसका मैम? स्टडी का, जैसे अपने आपने सेल्फ लेक्चर, स्टडी मैम साथ साथ ही, जब जैसे हो जाता था क्लास हो जाती थी ना, फिर उसके बाद SST रिवाइज करनी तो जरूरी होती है, उसके तो फिर नोट्स ना याद नहीं रहते चैप्टर, और इंग्लिश के भी 3-4 times, उससे भी ज्यादा बार रिवाइज कर लिया था। तो वही रिवीजन ही सारे कारनामे करती है। तो नोट्स कैसे बनाते थे? लाइक क्लास के साथ तो बना लिए, तो फिर अपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, या कुछ अंडरलाइन करते थे बुक में? मतलब नोट्स कैसे आपने बनाए अपने लिए? नोट्स मैम क्लास के साथ भी और किसी किसी क्लास के बाद में भी बनाए हैं, अच्छा, और तो शॉर्ट नोट्स मैंने अलमीरा पे चिपका लिए थे, जैसे मोस्ट अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे चलते फिरते नजर पड़ गई तो रिवाइज हो गया वाला। हिस्ट्री की जैसे PPTs जितनी भी थी चैप्टर में वो सारी लगा ली थी, क्या और भी किस सोल्यूशन का कौन सा कलर होता है वो बात, वाला भी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने का कोई जरिया नहीं छोड़ा, मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा कि कुछ भी आ जाए मुझे पता होगा उसका आंसर, है ना? यस मैम, तो मतलब जैसे फ्री टाइम, ऐसे हर टाइम तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो अपने फ्री टाइम में आप क्या करते थे? मतलब बस रील्स अपनी स्क्रॉल करी, या फिर कोई हॉबीज परस्यू करते थे, या क्या करते थे? टीवी देखते थे क्या? रील सोशल मीडिया एप्स तो मैंने बहुत कम ही चलाई हैं। फ्री हाँ, टाइम में कुछ रेस्ट कर लिया, या स्कूल का कोई थोड़ा बहुत वर्क कर लिया, अच्छा, या नहीं फिर अपार्ट टीवी। स्कूल, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपकी क्या हॉबीज रही, मतलब कि ये मैं करती हूँ फ्री टाइम में, अच्छा रिफ्रेश होने के लिए? बैडमिंटन खेल लिया मैम, या फिर टीवी अच्छा, देख लिया थोड़ा टाइम। क्या बात है, क्या बात है। और यार देखो, जैसे इतनी हम पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेसफुल तो हो ही जाता है ना सब कुछ, तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे? स्ट्रेस का क्या इलाज निकाला आपने मैनेज करने का? मैम पहले पहले तो लगी नहीं थी क्लासेस इतनी, मतलब हाँ। वो हो गया था ना बैकलॉग, फिर बाद में पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, फिर मैंने पूरा कर ही लिया बस बैकलॉग। अच्छा, तो देखो यार, स्ट्रेस, जब स्ट्रेसफुल होते हैं हम तो बहुत लो फील करने लग जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे एट टाइम्स होता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा, या फिर इतने इतने घंटे पढ़ रहे हैं बट अभी बैकलॉग पूरा नहीं हो पा रहा। तो उस डिमोटिवेशन वाले फेज से आप बाहर कैसे आए? मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे फिर से कि नहीं यार मेरे को जुटना है, मुझे और मेहनत करनी है? यस मैम, मुझे लगा था कि इतना कर तो रही हूँ पता नहीं मार्क्स आएंगे भी कि नहीं, तो फिर मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट किया, और क्लासेस में टीचर्स भी बहुत मोटिवेशन देते थे, थॉट्स वगैरह, या फिर कहते थे कि कोई बात नहीं लोड नहीं लेना। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो स्कूल में आपने तो डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करा, मैं तो स्कूल का पूछने लगी थी, आपने तो डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करा है, तो सबको बताया अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो पार्टी वगैरह हो गई है या अभी घर वालों के साथ पार्टी चल रही है? नहीं मैम होगी पार्टी, आज ही गए थे स्कूल। अच्छा, हाँ, पार्टी तो जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो आप आगे, आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, क्या मतलब क्या परस्यू करना चाहते हो आप आगे? नॉन मेडिकल मैम, अच्छा, नॉन मेडिकल लिया है, तो अभी कंटिन्यूएशन पीडब्ल्यू से ही है या फिर अपना खुद से करोगे या कैसे है?
लिया है मैम मैंने अर्जुना जी बैच। हाँ तो मतलब आगे जेई का एग्जाम देना है, क्या यस मैम। बात है, अच्छे अच्छी बात है। गोल क्लियर होना तो बहुत बढ़िया, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइफ में क्या करना चाहिए। तो क्लासेस हो गई है वहां पे, कैसा लग रहा है 11th में आके? बढ़िया है मैम। टीचर्स वहां पे भी शुरू हो गई थी अप्रैल से, क्लासेस लगाई हैं वो भी सारी। तो बहुत डिफरेंस लग रहा होगा 10th और 11th की साइंस में। यस मैम। वो तो है, वो तो है। तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम 9th और 10th की बात करें, भी 11th तो आपने पढ़नी है, 9th में ज्यादा आके एकदम से लगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इतना मुश्किल है, या फिर 10th ज्यादा मुश्किल लगी, आसान नहीं ज्यादा मुझे क्या थी। है ना, है ना, 10th इजी थी ना, ऐसे ही बस थी। रखते हैं कि 10th है बोर्ड है बट आराम से निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। यस मैम। इजी होते थे पेपर्स भी, इजी थे। हाँ पेपर्स तो इजी थे, जो कराया, अगर कराओ भाई पेपर इजी उसको लगते हैं जिसने सब करा हो, जिसको सब आता हो। अगर कोई एक छोड़ के चला जाए और उसी से क्वेश्चन आ जाए सारे, तो वो कभी नहीं कहेगा पेपर इजी था, मुझे नहीं आता था पर पेपर इजी था, ऐसे नहीं कहेगा कोई, है ना। तो सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है कि यार ये इजी है, ये मैं कर लूंगी? सीरियस में मैम सभी, बस सभी कर लिए थे। अच्छा सही इंग्लिश है। थोड़ी सी लगी थी क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, वो थोड़ी सी टफ। मैंने अच्छा ओके ओके फिर वो भी हो गए थे। बहुत बढ़िया। तो आपने कोई बुक्स और रेफर करी अपना पीडब्ल्यू में ही, जो आपके पास कंटेंट मटेरियल था उसी को देखा आपने? इंग्लिश की मैम की थी, इंग्लिश की उसमें कॉम्प्रिहेंशन करने थे ना सभी टाइप के, और क्वेश्चंस देखने थे, तो ओसवाल की ली थी। अच्छा ओके। और बाकी में जो आपके पास मटेरियल था, नोट्स एंड एनसीईआरटी, उसको आपने रेफर करा? अच्छा बहुत सही, बहुत सही। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही, मतलब कि पढ़ने की स्ट्रैटेजी कैसे, आप कितने घंटे के सब्जेक्ट को देते थे, क्या रहता था आपका पढ़ने का स्ट्रैटेजी? एक दिन एक पूरा सब्जेक्ट करते थे या थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लेते थे? मैम जब छुट्टियां हुई थी हॉलीडे स्कूल की, है ना, जब स्कूल में खत्म हो जाते हैं, फिर मैंने शेड्यूल बना लिया था कि, है ना, इतने चैप्टर्स हैं, इतने इतने डेज में डिवाइड कर लिए थे कि दूसरे प्री बोर्ड से पहले एटलीस्ट सारा सिलेबस एक बार कवर हो जाए, बोर्ड से पहले फिर रिवीजन कर ली थी। अच्छा। तो टाइम टेबल फॉलो हो जाता था जो बनाते थे या थोड़ा आगे खिंचता था? केवल हर एक दिन का बस। नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ना दो टाइप के टाइम टेबल बनाने चाहिए, एक होना चाहिए हफ्ते का टाइम टेबल कि इस हफ्ते में मुझे ये चीजें खत्म करनी है, और एक होना चाहिए डेली टाइम टेबल कि आज मुझे क्या करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ डेली टाइम टेबल बनाते हो ना, तो आपने आज बहुत मेहनत करी बट फिर वीकेंड में आते आते ऐसा लगता है यार इतना कर पाई मैं बस, बाकी चैप्टर्स अभी तो इतना सारा सिलेबस बचा है। तो अगर आप पहले वीकली टाइम टेबल बनाओ ना, तो उसमें क्लैरिटी हो जाती है इतना सब करना है, फिर जब आप डेली टाइम टेबल बनाते हो ना, तो आपको लगता है यार ये 2 घंटे कम लग रहे हैं, मुझे 2 घंटे और पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेहनत डालनी पड़ेगी, तब जाके मेरा इस वीक का टारगेट पूरा होगा। मेरे को ये बताओ कि यार जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया तो आप नहीं करते थे, तो बहुत समय बर्बाद होता है, मतलब सोशल मीडिया के अलावा भी और बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि पीयर प्रेशर हो गया, दोस्त इतना बोलते हैं यार क्या करना है पढ़ाई करके, इतनी क्यों पढ़ाई कर रही है, छोड़ अभी यहाँ चल ले वहां चल ले। तो इन सारी डिस्ट्रैक्शन से, पीयर प्रेशर से आपने अपने आप को कैसे बचाया, अपने आप को कैसे बाहर निकाला? मैम बस अंदर से था कि कुछ और करना ही नहीं है जब तक बोर्ड नहीं क्लियर होते। नहीं बट और दोस्त देना कि नहीं चल ना ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। मैम उनको भी साथ ही बिठा लेते थे कि पढ़ लो। वो उनकी ग्रुप मस्ती को आप ग्रुप स्टडी में कन्वर्ट कर देते थे। अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप अपने जूनियर्स को, जो बच्चे अभी 10th में आए हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है ना कि टीचर की बात चाहे ना सुने बच्चे, बट टॉपर्स की बात, अपने हम उम्र बच्चों की बात एकदम से समझ आ जाती है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैम फर्स्टली तो अपने टीचर्स को फॉलो करना है ब्लाइंडली, जो भी कहेंगे बस वही करना है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने में। कई बच्चे ना ले लेते हैं, बाद में होता नहीं, बैच कंटिन्यू नहीं करते बाद में, इसलिए। अच्छा जबरदस्त यार, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, है ना, आपका इतना अच्छा रिजल्ट देख के। एंड टू थिंक के पीडब्ल्यू आपकी उस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट बन पाया,
तो उसमें हमें भी बहुत गर्व है, आप पे तो गर्व है ही है, थोड़ा सा ये भी गर्व कर रहे हैं कि आपकी इस जर्नी का पार्ट जो है हम बन पाए। एंड रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। ऐसे ही थैंक बेटा अपनी मेहनत जारी रखना, है ना, आपका 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसी मेहनत को, है ना, इससे भी ज्यादा मेहनत को आगे कंटिन्यू रखना। एंड आई होप यस कि लाइफ में जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकें, जो आपके गोल्स हैं वो आपके पूरे हो सके, अकम्प्लिश हो सके। थैंक यू मैम। मैम सभी टीचर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू। अरे यार, आप मेहनत सारी आपकी है, हम तो आते हैं पढ़ाते हैं, बट आप बच्चों का हमें प्यार मिलता है। आप बहुत होती है मेहनत तो। थैंक नहीं बट आपसे ज्यादा नहीं, हम तो एक सब्जेक्ट आके पढ़ा जाते हैं आपको, इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के, उसको रिवाइज करके, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उसके शॉर्ट नोट्स बना के पेपर देना होता है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप इतनी मेहनत करते हैं अमंग अदर थिंग्स। आज के समय में इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना डिमोटिवेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब का माहौल रहता है, बट उसमें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना एंड इतना अच्छा कर पाना, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। यू मैम। तो चलिए फिर, हम आपसे आगे मुलाकात हो, भगवान करे आपसे कभी ना कभी मुलाकात हो, ठीक है। ओके ऐसे ओके ही आप 10th में, 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, हर साल आपसे हम मिलेंगे। ठीक, या बाय ओके, बाय बाय। मैम।